विश्व प्रेस दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरी दुनिया के और हमारे देश के जो पत्रकार हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल आज ये सवाल काफी आवाज के साथ उठ रहे हैं कि मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए वो आज नहीं नजर आती है। मीडिया एक तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो हमारी देश के सोकाल जो लोकतंत्र उसको चलाती है, अगर वो सही काम नहीं करती है तो मीडिया उसको आम जनता में लाता है और आम जनता को उद्वेलित करके वो उसको सही करने की कोशिश करता है। दरअसल मैं यह कहना चाहूँगा कि हम लोग यह नहीं कहना चाहते हैं कि सिर्फ मीडिया में ही गिरावट आई है या पत्रकारिता में गिरावट आई है, ये कहना ठीक नहीं होगा। आप किसी भी फील्ड में देखें, चाहे कोई डॉक्टर्स के प्रोफेशन में हो, चाहे कोई एडवोकेट के प्रोफेशन में हो, या कोई बिजनेस में हो कोई, या किसी और सर्विसेज में हो, तो सब जगह ये गिरावट है। और दरअसल ये इसलिए पत्रकारिता ज्यादा सामने इसलिए आती क्योंकि उससे एक विशेष उम्मीद होती है आम जनता को, इसलिए वो निशाने पर रहती है। निशाना उसको उन लोगों को लेना चाहिए जो इस सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भूमिका नहीं निभा रहा है, इसलिए वो निशाने पे है। लेकिन मैं इसकी तह में एक बात कहना चाहूंगा कि दरअसल हम जो लोग हैं या जिससे देश बनता, दुनिया बनती है, अभी पूरी दुनिया में पूंजीवाद के उभार का दौर है और पूंजी वो है चीज जिससे यह कह सकते हैं सब कुछ चीजें खरीदे जा सकती है, सारी सुख सुविधाएं संपदा खरीदी जा सकती है। और पूंजीवाद तो आदमी का जो दिमाग है, आदमी की जो संस्कृति उसको भी खत्म कर देता है। तो दरअसल आप किसी पत्रकार को या सिर्फ पत्रकारिता को आप मतलब निशाने पे ले या उन्हें गाली दे, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और ये जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है और जब तक, और अभी का जो दौर है बहुत ज्यादा उफान के दौर है, ये पूंजीवाद का जो दौर है वो ज्यादा एक उफान का दौर है। सर, एक चीज ये है कि जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 161 नंबर पर आया है। आप इस गिरावट के क्या जिम्मेदार फैक्टर मानते हैं कि भाई इस वजह से ये इतनी बड़ी गिरावट आई है जो पहले की तुलना में, मतलब ये लगातार गिरावट हम देख रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल ये 161 नंबर पे आई है। और अगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी वापस 2024 में चुन के आते हैं तो आप उम्मीद कर दिए कि 121 नंबर पर भी हम पहुंच सकते हैं। दरअसल हमारा कोई मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है कि हम लोग हमारी जन्मपत्र में लिखवा के लाए तो बीजेपी या मोदी जी से हमको मतलब कोई दुश्मनी रखनी है। लेकिन जिस तरह से पिछले 9 साल से देश को चलाया जा रहा है, जिस तरह से अगर कोई उनके खिलाफ है तो उनपे छापे, CBI चाहे पत्रकारिता में कोई ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है। और आज भी मैं कहना चाहूंगा गर्व से, बड़ा मीडिया जरूर बिका है लेकिन छोटा अखबार, छोटा मीडिया आज भी सच को छाप रहा है। और ये थोड़ी बहुत जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए है, ऐसी बात नहीं कोई निराशाजनक स्थिति है, लेकिन ये जो आप बता रहे हमारी ये स्थिति आ गई है। तो ये स्थिति हमको क्या, आज हम लोग देखे तह में जाए तो हमको एक तरह से एक अलग नशे में देश की आम जनता को ले आए हैं। और एक तरह से जो फासिस्ट जो सरकार है, फासीवाद में मतलब हिटलर को आप देखें तो वो हीरो था जर्मनी का, मतलब उसके एक आवाज से मतलब लाखों लोग जो है इकट्ठे हो जाते थे और जान देने को तैयार थे, लेकिन उसी हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। सर, एक चीज ये देखी जा रही है देश में कि एक तरफ कुछ पत्रकारों के साथ में उनके ऊपर हमले और उनकी हत्याएं के मामले आए हैं, एक तरफ कुछ पत्रकारों को संरक्षण भी मिल रहा है जिसको गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है। तो ये दो धड़ों में मीडिया बटा है, कहीं कहीं पत्रकारिता के जो वैल्यूज है उनको चुनौती मिल रही है। मतलब आप किस तरह से? नहीं, मुझे लगता है अभी तो धारा एक ही है, अच्छा गोदी मीडिया वाली धारा है, वो छटपटा रहा है। जो दूसरा जो पक्ष है ना वो एक तरह से अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन दो धारा 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 की स्थिति तो होती है बराबर कोई धारा चल रही हो। आज वो एक तरह से नाली के रूप में इतनी छोटी स्थिति में हो गई है, धारा तो बहुत तेज बहाव में होता, आज टक्कर में नहीं है, ये सच है। मैं चाहता हूँ ये स्थिति बदले, लेकिन सच को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये जो आज हम लोग देखते हैं तो पत्रकारिता की जो बात हम लोग देखें, चाहे रवीश कुमार ले या हम लोग नीचे के स्तर पर भी यहाँ उदयपुर में भी हम लोग ले, ऐसे पत्रकार जो मैनेजमेंट के खिलाफ थे या जो सच को छापना चाहते थे उनको मैनेजमेंट ने पसंद नहीं किया ऊपर के। हमारे यहाँ के जो पत्रकार है वो 90% अच्छे और निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, सत्य का साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनको नौकरी करनी है। तो आपको देखो वो पत्रकार जो है वो मतलब सच नहीं छाप रहा, वो बिक गया है। अरे भाई वो नहीं बिका, आपका जो निशाना है, आपका जो आक्रमण होना चाहिए
वो उस पत्रकार पे नहीं होना चाहिए जो 10-20-25 हजार की नौकरी कर रहा है। आपका निशाना जो मैनेजमेंट है, आप देखिए जो एक वो पत्रकारों के लिए जो वेतन आयोग बनाया था, क्या नाम है उसका, जिसमें ये कहा था सबको इस वेतन आयोग की सिफारिश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इनको मतलब ये वेतन आयोग दिया जाए इनको, लेकिन आप देखिए वही सुप्रीम कोर्ट वापस उसको रिवर्ट करती है और कहती है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो है वो आप कार्रवाई करो और फिर देनी दे तय करो। यानी 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन सबको पत्रकारों को वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन सुविधाएं दो, लेकिन जब मैनेजमेंट वहां चला गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसको रिवर्ट कर दिया और उनको उसको छोड़ दिया। तो अगर पत्रकारिता को मतलब एक जब एक आम आदमी जो सरकारी नौकर है उसको अगर आप मतलब 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप नौकरी के दे रहे हो और उस पत्रकार को जो सुबह से रात तक अपनी जान को जोखिम में डाल के वो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसको अगर आप नहीं करोगे तो वो और कोई रास्ते ढूंढेगा। तो इंसान दरअसल बेईमान नहीं है, उसको व्यवस्था बेईमान बनाती है। तो इसलिए मूल रूप से मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक पूंजीवाद है तो ये गोदी मीडिया के हम और आप सब मतलब गोदी वाले हो गए। तो ये एक 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 ही बात को मतलब कहने का, और ये जब तक जन आंदोलन नहीं होंगे, जब तक जन मुद्दों पे मुझे लगता है कि ये पत्रकार हो या चाहे जो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, इनकी सबकी जो अक्कल ठिकाने लगा सकते हैं वो देश की आम जनता लगा सकते हैं और जन मुद्दों पे जन आंदोलन पे लगा सकते हैं। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो पत्रकारिता हमारी है आज भी आम जनता का विश्वास है उस पर, आज भी हम लोग सुबह अगर हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं सच जो भी पढ़े तो हमारा दिन मतलब लगता कोई कमी है। आज हम लोग सुबह का मॉर्निंग कोट है लेकिन मैं अखबार लेके आता हूँ, मुझे लगता नहीं मेरी ये खुराक है। तो ये जिस ढंग से न्यूज देते, कोई अक्षय कुमार मतलब वो ऐसे इंटरव्यू लेते केले कैसे खाते ना, आम कैसे खाते, चूस के खाते, मतलब स्टूपिड यार, मतलब ये कोई पत्रकारिता है? आप तो प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल करी नहीं है कि भाई देश की गरीबी का ये स्तर था, महंगाई ये थी, बेरोजगारी ये थी, आंकड़ों पे आप बात करिए। केवल ये गोलमोल भाषण, विकास हो रहा है, दुनिया ये बढ़ रही है, ये नाम दुनिया में हो रहा है, यार ये नहीं है, पत्रकारिता का काम ये नहीं है। आप आंकड़ों के साथ जाइए ना, तैयारी के साथ जाइए और फिर आपके बेटी, और वो हम तो चाहते हैं कि जो बेहतर हुआ है मोदी जी के आने के बाद या जो पहले कांग्रेस थी उन्होंने बेहतर किया, तो तथ्यों के साथ दे, आंकड़ों के साथ दे। तो आंकड़े नहीं छाप रहा मीडिया, वो भाषण छाप रहा है। सब दो चीजें अभी आ रही है, एक तरफ मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया है और अभी सोशल मीडिया का ग्राफ बढ़ा है, तो क्या सोशल मीडिया से मेनस्ट्रीम मीडिया को कोई चुनौती मिल रही है? और एक दूसरा सवाल इसी में शामिल है कि फेक न्यूज का ट्रेंड बढ़ा है सर, इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेनस्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया से चैलेंज मतलब बड़ा, मैं इस ढंग से इस बात को कहना चाहूंगा कि एक सब्जी मंडी में अगर 10 ठेले वाले भी हैं तो 10 और लगते तो उनका भी रोजगार चल सकता है, 20 का ज्यादा बेहतर चल सकता है। हम लोग जब इस वकालत के प्रोफेशन में आए हम लोग 300 वकील थे, आज 3,000 है, तो मुझे लगता है कि काम तो और भी ज्यादा है, 10,000 का काम है, हाँ इसको बहुत है। तो इसलिए यह कह देना कि उस मीडिया के आ जाने से इस मीडिया का, दोनों का अपना अपना एक असर, हाँ हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे जो है, पहले तो क्या होता था कि नेता जो मतलब बोलते थे, झूठ बोलते थे, वो मीडिया सच बताता, अब तो मीडिया जो बोल रहा है वो ढूंढना पड़ता वो सच है या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो स्थिति है मतलब मीडिया की, तो सोशल मीडिया का अपना असर है लेकिन 90% जो है वो फेक न्यूज आ रही है। और सबसे बड़ी बात है जो IT सेल है जिन्होंने खोल रखे, और किन्होंने खोल रखे सब जानते हैं, एक झूठ को अगर 100 बार बोले और मिलके बोले तो वो सच हो जाता है। तो इस तरह से झूठी कहानियां हमारे मतलब देश की जनता में सोशल मीडिया, खासकर IT सेल जो है, दूसरा पहलू ये भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है आपके प्रोफेशन के, आपके व्यवसाय में अच्छी मिलती है, लेकिन ये जरूर है कि आम जनता को इस बारे में सोचना चाहिए और उस पर कुछ अगर फेक न्यूज होती है तो उस मामले में कुछ कार्रवाइयां होनी चाहिए और एक तरफा नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये एक है, और दूसरा आप जो कह रहे थे वही फेक न्यूज़ का ही मैंने बोला था। तो ये इसपे होना चाहिए, मुझे लगता है फेक न्यूज़ से तो आजकल सरकारें बनती है ना, वो फैलती है, तो एक कॉन्सेप्ट मतलब लोगों के दिमाग में एक धारणा ही पैदा कर दी जाती है। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह के सर्वे और बिल्कुल ठीक है, क्या होना चाहिए। तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजेश सिंघवी जी, जिनका आपने साक्षात्कार सुना है, और सभी जितने भी हमारे देखने वाले यूट्यूबर के जितने भी साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी निवेदन है कि
देखिए आप जो पत्रकारिता में जिस तरह की गिरावट आई है और देश में जिन जिन पत्रकारों के साथ में मतलब मारपीट हुई है या मॉब लिंचिंग जिनके साथ हुई है, जिनके ऊपर हमले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकार जो समूह है वो टारगेट पर भी जा रहा है। तो इस तरह का जो माहौल देश में बना हुआ है इसमें हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और सरकार ने जिस तरह से प्रेस को प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के जिस तरह से प्रयास किए हैं उसको लेकर भी लगातार आवाज़ें जनता की तरफ से जितनी ज़्यादा उठेगी उतना ही प्रेस इंडेक्स हमारा भारत का है वो बेहतर होता जाएगा। तो आज का साक्षात्कार में आपने देखा कि राजेश सिंघवी जी ने बहुत ही मुखर रूप में जन पत्रकारिता को लेकर आवाज़ उठाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दो मिनट।